अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पहली बार के ईद मुबारक। कितने लोगों की पहली ईद है यूएई के अंदर? पहली है आपकी? नहीं, पहले आपकी पहली है। चलो अल्लाह ताला आपको, आपकी पहली है। चलो माशाल्लाह मुबारक हो आप सब लोगों को। परदेश है, मुश्किल है, मुझे मालूम है, और आजकल गर्मी भी काफ़ी चल रही है। तो मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ की किस्मत बदलने के लिए बड़ी मेहनत करते हो। ये आसान नहीं है। मुझे ये वक्त याद है अपना भी, जब मैं मतलब इस तरह काम करता था जो आप काम करते हो, कि इस काम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तो उतनी इनकम नहीं होती जितनी हम लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। लेकिन यही एक प्रोसेस है और दुनिया का यही निज़ाम है। लेकिन इस निज़ाम से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको हर वक्त एक कदम आगे जाना पड़ेगा। इसमें ना तो किसी कंपनी का कसूर होता है, ना किसी मुल्क का कसूर होता है, ना किसी निज़ाम का कसूर होता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी इंसान का कसूर होता है। ये आप नहीं, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अभी भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, पैसा, पोजीशन और ये फेम जिसको बोलते हैं, शोहरत बोलते हैं, ये किसी के बाप का माल नहीं होता। जो मेहनत करेगा वो उसके कदमों के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपकी फैमिली को भी सलाम पेश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, अगर वो सुन रहे हैं, कि वो आप परदेसियों का एहसास करें। ये ज़िंदगी आसान नहीं है, मुझे मालूम है। परदेस में रहना, फैमिली से दूर, आपके बीवी बच्चे हैं, बीवी बच्चे ना भी हों, दोस्त अहबाब तो है ना, जहाँ बचपन गुजरा है, फैमिली तो है ना, माँ बाप बहन भाई तो है ना, कज़न तो है ना, और चीज़ें हैं, एक लगाव होता है अपनी जगह पे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सीरियसली सलाम है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने शुरू किया था तो हम अकेले रो भी लेते थे। तो आप भी ऐसा करते होंगे, कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। तो बड़ी चीज़ें हैं, ये दुख भरी कहानी है, बात करूँगा तो मैं भी शहर पढ़ूँ, तो आसान नहीं है। तो आप लोगों को सलाम है कि आप लोग जो कर रहे हो, लेकिन बेटा ये याद रखना, आपने तकदीर बदलनी है अपनी। कोई कंपनी दुनिया की आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। ये मेरा आपको चैलेंज है, जिधर मर्जी चले जाओ, इधर भी रहोगे सारी ज़िंदगी या कहीं पे भी जाओ, वो आपने खुद छीननी है। छीनने का मतलब ये नहीं कि आपने झगड़ा करना है, आपने मेहनत ऐसी करनी है कि आपका लोहा माना जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें जी मैं ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारूँ और रिज़ल्ट भी मेरी मर्ज़ी का मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के कानून के ही खिलाफ़ है।